फाइन। सो आपके स्क्रीन पे आया होगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा। एंड आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि 9 बजे वाले बच्चों का है वो एक सेशन। ओके ग्रेट। सो एक्चुअली 9 बजे मूड कोर्ट है, वो यूएई के बच्चे तो इसलिए थोड़ा सा छोटा रहेगा। चलिए, सो 1920, तो ये हमने ग्रीटिंग पहले के भी सेशन में लिया होगा और उसका ये रिवीजन है ताकि आप भूल ना जाए। तो इसमें बताइए, इसमें किसी को डाउट है या जिनका नहीं हुआ तो मैं फटाफट बता देता हूं। पीछे वाला आप एक बार देख लीजिएगा। ओके बताइए। नाउ नो सर, किसी को भी डाउट नहीं है, आगे बढ़े क्योंकि ये हमारा पहले हुआ है तो मैं इसलिए थोड़ा ये बीच बीच में इसलिए डाल देते हैं कि ताकि रिवाइज हो जाए आपका। ओके नाउ जस्ट अ सेकंड। सो हियर वी गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, कोई डाउट? नो। फाइन, चलिए यहां से करते हैं आप। ओके और द फर्स्ट वन, यस, पहला वाला जो है हमारा, हाउ डिड यू, याद है आपको हाउ डिड यू कब बोलते हैं हम? या जब हम पहली बार मिलते हैं तो हेलो की जगह, राइट, ये फॉर्मल तरीका है आपका हेलो बोलने का फॉर्मली। तो सेशन वन में आपको डे वन में ही उसका वीडियो चेक कर लीजिएगा, है ना, रिवीजन वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुआ था, है ना, जो ब्रिटिशर्स थे स्पेशली, यू नो, जो रॉयल फैमिलीज थी उन्होंने स्टार्ट किया था वो थोड़ा अलग होने के लिए, अलग दिखने के लिए। अभी ये फॉर्मल तरीका है, हल्का सा ओल्ड फैशन भी हो गया, ठीक। और इसका यदि आपसे कोई बोलता है हाउ डू यू डू तो आप क्या उसका रिप्लाई दे सकते हैं? हेलो या हाउ डू यू डू, यस, हेलो या हाउ डू यू, है ना। सो ये आप बोल सकते हैं, सेम रिप्लाई। ओके नेक्स्ट वन इज हाउ हैव यू बीन या व्हाट हैव यू बीन। ओके तो व्हाट हैव यू बीन अप टू, ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारा जो लास्ट मीटिंग हुआ था और अब इसके बीच का टाइम पीरियड का आप जानना चाहते हैं, ठीक। सो आस्क दिस क्वेश्चन ओनली इफ यू हैव मेट समवन बिफोर, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और हम ऐसा पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट टाइम जब मिले थे और अभी, ठीक, तो इस टाइम पीरियड के बीच का आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस बीच में मान लीजिए कहीं आपने क्लासेस स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया, कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं उस हिसाब से आंसर। आई बीन बिजी वॉकिंग अ लॉट, आई वॉच यू, यहाँ पे छ साउंड मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो हाउ अबाउट यू, ठीक। I've recently started new online session. Okay. I recently joined, you know, online English spoken classes. So अब इस तरह से आप answer कर सकते हैं, यानी कि जब last time हमारा phone पे बात हुआ था या मुलाकात हुआ था तब से लेकर अब तक इस time period के बीच में। Okay, next है हमारा, आप ये इसमें कोई doubt है how have you been का मतलब? ओके ग्रेट। सो अब देखिए नेक्स्ट है डियर सर और मैम। कभी कभी हम यू नो मेल भेजते हैं या एप्लीकेशन करते हैं तो उस समय हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ये चीज, है ना, डियर सर या फिर मैम, ऐसा मेल में भी लिखते हैं या एप्लीकेशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता सामने वाला सर है कि मैम है ना, पता ही नहीं रहता। और मैंने आपको बताया था इस सिचुएशन में जब आप जानते नहीं है तो लास्ट में
योर्स सिंसियरली ना लिखें, क्योंकि आप जानते नहीं है, है ना। और यहाँ पे तो आपको ये भी नहीं पता ठीक कि सा है कि मैम है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है उसमें। योर्स ट्रूली लिखे, योर्स फेथफुली, तो ये हमने डिस्कस किया था पहले। तो ये आप इस तरह से जब आप प्रोफेशनल मेल या लेटर कुछ ऐसा लिख रहे हैं एट दैट टाइम यू कैन यूज। नाउ टू होम इट मे कंसर्न, आपने देखा होगा कई बार टू होम इट मे, आपने देखा है कि किसी पेज पे लिखा हुआ ऐसा टू होम इट मे कंसर्न? कहीं लिखा हुआ देखा आप किसी ने? नो no? किसी ने भी नहीं देखा? ओके तो देखिए ठीक है, टू होम इट मे कंसर्न, जैसे आप एक्सपीरियंस लेटर लेते हो, जैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हो, पुलिस वेरिफिकेशन का लेते हो, है ना, तो कई जगह पे वो इस तरह से पहले ये लिखा होता है ठीक, या कोई सर्टिफिकेट मिलता है हमें तो कई बार उस पर भी लिखा होता है ना। तो ये एक्चुअली क्या बताता है, इसका मतलब क्या है, है ना, कहाँ पे लिखा होता है, चलिए उसको हम देखते हैं अब। फाइन, सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे कि व्हेन यू आर ईमेलिंग अ होल डिपार्टमेंट दैट यू आर अनफैमिलियर विद, ठीक, आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट को मेल भेज रहे हो ठीक, या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन भेज रहे हो या मेल भेज रहे हो ठीक, जिसको आप जानते नहीं हैं उस होल डिपार्टमेंट के लिए, या फिर व्हेन यू आर सेंडिंग अ कंप्लेंट टू अ कंपनी तब भी, और थर्ड वन है व्हेन सेंडिंग अ रेफरेंस लेटर टू समवन यू सेंड यू यूज टू मैनेज, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, है ना, आप काम कर रहे थे, स्कूल कॉलेज कुछ भी ठीक, अब वहां से आपने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो आप देखना जनरली आप इस तरह का मिलेगा ठीक, तो आप क्योंकि आपको मैनेज कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, मैंने आपको बोला पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, तो आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन का मिलेगा ठीक, तो उसमें भी हो सकता है आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ठीक है, क्योंकि आप पुलिस क्या करती है, एक तरह से हमें मैनेज कर रही है, है ना ठीक। आया समझ में आपको, किसको नहीं आया बताइए, फिर से एक बार बता दो। हाँ, ये आप जैसे लेटर ले कुछ सर्टिफिकेट लिया, लेटर लिया, है ना, तो उस पेज पे स्टार्टिंग में लिखा होगा टू होम इट मे कंसर्न ठीक, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर है, है ना, ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, ये आप जो मेल भेज रहे हैं वो इस डिपार्टमेंट के लिए है, ये कंप्लेन का लेटर है, कंप्लेन कर रहे हो आप, है ना, शिकायत कर रहे हो आप, सो कंप्लेन लेटर है, तो उसमें ये लिखा होता है टू होम इट मे कंसर्न ठीक। गौर से देखिएगा, आया समझ में आपको, तो ये मेन तीन जगह है जहां पे तो आपको पक्का मिलेगा। सबसे पहला क्या है, जब आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट को मेल कर रहे हैं ठीक, तो आप लिख सकते हैं टू होम इट मे कंसर्न ठीक, आपने सब कुछ लिखा यहाँ पे टू होम इट मे कंसर्न, और फिर अपना बाकी स्टफ। जब आप कंप्लेन भेजते हो किसी कंपनी को, या फिर जो आपको मैनेज कर रहा है ना, जैसे पुलिस या कोई इंस्टीट्यूशन जहां आपने काम किया ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनमें भी, और इस तरह के लेटर्स में भी आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा होता है कई बार ठीक है। किसको नहीं समझ में आया बताइए, हेलो, आया सर? ओके ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट है हमारा डियर मिस्टर, देखें डियर मिस्टर मिसेज, अब ये बताइए कि पहले वाले का मीनिंग क्या है,
बताइए कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? हम आ रहे वो हेलो। और हमारा टीम में क्या बोलते हैं इसको, माननीय श्री। हाँ राइट, बिल्कुल सही बताया आपने, मराठी में ऐसा बोलते हैं आप, है ना? ग्रेट। अच्छा तो यानी ये मिश्रा, और ये इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट। बताइए। सर पहले का माननीय महोदय आएगा और नेक्स्ट का माननीय महोदया। हाँ है ना, मिसेस। अच्छा हाँ शादीशुदा है ये मिसेस। अच्छा इसका मतलब, तीसरे का मतलब बताइए फटाफट आप। मिस आएगा ना सर, हाँ इसका मतलब क्या हो गया? अनमैरिड के लिए उसका। और फिर ये किसके लिए हम करते हैं? मैं वही देख रही थी मिस ए अच्छा सेम आएगी क्या सर दोनों भी? वो हाँ जी, MSN MIWS सेम आएगी क्या वो? ये जो है मेज है ना, मेज। तो मेज तो जो अनमैरिड, आप कंफर्म है कि भाई ये अनमैरिड है, ठीक। ये जब आप कंफर्म नहीं है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है, बीच में है, अब पता ही नहीं चल रहा कि वो मैरिड है नहीं है, इसीलिए बीच में वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आज समझो आपको, अब मान लीजिए कोई मैरिड नहीं है तो आपने उसको मिसेज बोल दिया, या कोई मैरिड है उसको मिस बोल दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से यस लिखा सर। जाता है, इस तरह से तब लिखें जब आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। मिस। अच्छा जो ब्रिटिशर्स और यूके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ब्रिटिशर्स इसको ऐसे ही लिखते हैं, अमेरिकन्स इसमें फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। खैर इट डजेंट मैटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर डॉक्टर। ये तो यू नो किसी ने पीएचडी कर रखा है तो डॉक्टर और प्रोफेसर, ठीक है, इस तरह से भी लिख दिया जाता है। इसके साथ जनरली हम जैसे मिस्टर लिखते हैं या मिसेज लिखते हैं, इसके साथ जनरली हम सरनेम का प्रयोग करें, ठीक है, सरनेम का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, डियर मिस्टर, फिर सरनेम, ये आप मन के लिए लिखेंगे, विमेन के लिए आप मिसेस, मिस अनमैरिड के लिए, और एमएस है ना विद सरनेम किसके लिए लिखेंगे हम? जब हमें स्टेटस पता नहीं है कि वो विमेन मैरिड है कि अनमैरिड है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा यूके स्टाइल, और एमएस लिखा हुआ है यदि विद डॉट, दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, है ना। तो देखिए अमेरिकन इंग्लिश में ये यहाँ पे डॉट लगा है, ब्रिटिश में नहीं लगा हुआ है, ठीक। मेज बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है बताइए। नो नो। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट का भी, कभी कभी क्या होता है आप मेल करेंगे ना, तो आपको ऐसा भी रिप्लाई मिल सकता है कि आपका फर्स्ट नेम यूज हो रहा है, पहले पहली बार तो नहीं, पहली बार मान लीजिए मुझे किसी ने लिखा मिस्टर पाठक, है ना, फर्स्ट टाइम। अब मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर रिप्लाई आया, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो उसने लिखा हो डियर गोपाल, ठीक। अब क्या होता है इस तरह से आप यदि, वो थोड़ा पोलाइट ही रहता है ये, बट याद रखिएगा कि आप देख लीजिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, वेदर यू कैन यूटिलाइज इट और नॉट, है ना। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि नहीं, तो कुछ लोग इस तरह से भी यूज करते हैं और उसको पोलाइट माना जाता है, लेकिन क्या आप उतना मतलब कि कुछ लोग बहुत ही फॉर्मल होते हैं या कुछ जगह पे बिल्कुल ही फॉर्मल ही चलता है ज्यादा, तो उस सिचुएशन को देख लें और उस हिसाब से ही आप यू नो मेल में इस तरह का फर्स्ट नेम का इस्तेमाल करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? यो। यो ठीक है, यो इज वॉट, ये थोड़ा हिप हॉप कल्चर 1990s में अमेरिकन में यूज हुआ करता था ग्रीट करने के लिए, ठीक
ठीक है. सो यो इवन आज भी यूज किया जाता है इसको. ठीक, यो मैन, यो मेट. ठीक, नेक्स्ट व्हाट्सअप, ये हमने किया था, ये हमारा पहले भी हुआ. व्हाट्सअप मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना. और कुछ लोग इसको सब भी बोलते हैं, सब. ये नेक्स्ट है हमारा. ठीक, व्हाट्सअप, व्हाट इज अप मीन्स व्हाट इज नेक्स्ट और व्हाट इज गोइंग ऑन, दोनों मतलब होता है इसका. व्हाट्सअप मीन्स व्हाट इज नेक्स्ट और व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. ठीक, व्हाट्सअप मेट, ओके, व्हाट्सअप मेट, क्या चल रहा है. सब मेट, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है ना, आयरोनिकली बोला जाता है या टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे आप व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं. ठीक, लिखते समय सब मेट. ठीक, ओके, ग्रेट. सो नेक्स्ट है हे. अब इसका इस्तेमाल ना कई लोग करते तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते समय बी केयरफुल. जनरली कभी कभी मैसेज करते हैं लोग और इस तरह से लिख देते हैं, हेलो की जगह हे. अब थोड़ा एक्स्ट्रा वाई लगाया ना, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. अब हमें तो पता नहीं, हमने सामने वाले को देखा, वो ये लिख रहा है तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे. सो एक्स्ट्रा वाई लगाने का मतलब है थोड़ा सा फ्लर्ट टाइप का, है ना, हम थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं सामने वाले के साथ. ठीक, सो याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वाई मत लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सामने वाले सोचेगा कुछ और ही चल रहा है. ओके, नेक्स्ट हमारा है, और जो दूसरे हमने ब्रिटिश अमेरिकन ग्रीटिंग्स जो भी हैं ऑजी, उसमें यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, लवली टू मीट यू. देखिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो नाइस के जगह लवली टू मीट यू का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, लवली टू मीट यू याद रखिए. लवली टू मीट यू, तो आप वैसे नाइस टू मीट यू बोले, प्लीज टू मीट यू, लवली टू मीट यू, सब कर चुके हैं हम. ठीक, आर यू ओके, आर यू ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू, है ना, स्टार्टिंग में. तो ब्रिटिशर्स आर यू ओके, दैट मीन्स हेलो हाउ आर यू, ऑल राइट मेट, हम कर चुके हैं, है ना. तो ब्रिटिशर्स या अमेरिकन मेट का प्रयोग करते हैं. ऑल राइट मेट, वेरी कॉमन मीन्स आर यू ऑल राइट. गॉट इट, इतना समझ में आया आपको, नहीं आया. जहां पे नहीं आए आप प्लीज बिना हेजिटेशन के पूछे, है ना, क्योंकि उस पूछने से ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता है. नेक्स्ट है हमारा हियर, दैट मीन्स व्हाट, हेलो. नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में काफी फेमस है, अब तो खैर हर जगह यूज करते हैं इसको. अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है ये है What's the crack? What's the crack? तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक warm phrase है. ठीक, What is new with you? What's the crack means? और क्या नया चल रहा है. Have you got any interesting new gossip since we last met? Last time जब से मिले हैं उसके बाद से कुछ नया हुआ क्या, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग. सो व्हाट्स द क्रैक. ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें, स्पेशली आयरिश लोगों के साथ, यदि कोई आयरलैंड का है, क्योंकि वो इसको अलग तरीके से भी ऐसा भी सोच सकता है वो कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं. बाकी लोगों के साथ आप यूज करें, लेकिन जो यदि कोई आयरिश है तो वो थोड़ा सा, क्योंकि वो आप समझेगा कि मतलब ये आयरिश नहीं है फिर भी यूज कर रहा है. ठीक, तो बाकी वैसे यूज कर सकते हैं आप, डोंट वरी, इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कोई आयरलैंड का नहीं है और आयरलैंड का ही हो तो ज्यादा उनको अच्छा लगता है. बाकी कंट्री के लोगों के साथ आप आराम से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ओए.
है ना, ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीका हो गया। ओए ठीक, तो आजकल टेक्स्ट मैसेज में इसको खूब यूज किया जाता है। फिर हेलो स्ट्रेंजर, अब आप ऐसा कब बोलते हैं हेलो स्ट्रेंजर, जब कोई बहुत दिनों से आपको नहीं मिला है ना, आपका दोस्त या कोई बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो आप बोल सकते हैं हेलो स्ट्रेंजर। पॉइंट, हेलो, हेलो की जगह हेलो गवर्नर, हेलो गवर्नर, ठीक। ये कब बोलते हैं आप अपने जो कलीग होते हैं उनको, जैसे ब्रिटिशर्स अपने कलीग को बोलते हैं, है ना, तो ये टीज करने के लिए होता है, स्पेशली टीज करने के लिए, क्योंकि कोई अपने आप को ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंस दे रहा है या ज्यादा ही अपने आप को यू नो इगोइस्ट या इगोटिस्ट जैसा शो कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं हेलो गवर्नर, ठीक। चलिए अब गुड मॉरो, गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉरो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब कुछ लोग यूज करते हैं तो गलत तरीका है ना, तो इसका गुड मॉरो की जगह गुड मॉर्निंग, या कुछ लोग सिर्फ सिंपली मॉर्निंग बोल देते हैं, उसमें से जी ड्रॉप मॉर्निंग। ओके चलिए, इतना समझ में आया सभी को, क्योंकि इसमें से कई ग्रीटिंग्स हम कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट है बताइए। नाउ नो सर। ओके ग्रेट, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्रैकिन, उस क्रैकिन, इसका मतलब व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, व्हाट्स क्रैकिन, ठीक, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक। ओके उसके बाद आपका दिया हुआ है, ओके व्हाट्स अप बटरकप, व्हाट्स अप बटरकप, तो इसमें मैंने एक पहले एग्जांपल दिया होगा आपको पोला फेस्टिवल का, जो महाराष्ट्र में होता है ना, तो बताइए आप किसी आदमी को बोलते हैं हैप्पी पोला? नो सर। अच्छा, या कभी आपने किसी को सुना है बोलते हुए, किसी लड़के को कोई बोल रहा है हैप्पी पोला? नो सर। और यदि मान लीजिए कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आप ओ पोड़ा के बारे में बात करें क्या, बैल पोड़ा? हाँ हाँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन इज सही, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। यस सर, ओ लोग बोलते हैं ना इसीलिए। राइट राइट राइट, हाँ हैप्पी हैप्पी पोड़ा बोलते हैं ना सर। हाँ, ये जो पोड़ा बोलते हैं या ला, ला और रा के बीच का साउंड है ये, एक्चुअली ये हिंदी में है नहीं तो इसीलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। यस यस सर, हमारे में ला होता है। हाँ तो किसी आदमी को बोलते हैं क्या मैम हैप्पी पोला? बोलते हैं ना, आदमी को बोलते हैं, किसी आदमी को विश करते हैं क्या? आदमी आदमी को नहीं, मतलब ऐसे फेस्टिवल को बोलते हैं ना सर हैप्पी पोला। और किसी आदमी को बोला तो मतलब उसका मतलब गाली भी हो सकता है। उसका मतलब मजाक कर रहा है, वो उसको बैल बोल रहा है। यस यस, ऐसे भी हो सकता है। हम जब मैं महाराष्ट्र में था तो वहां पे एक लड़का था, वो थोड़ा हेल्दी टाइप का था। बोलते उसको, जैसे फेस्टिवल आया नहीं थी, बस उसको विश करते थे सब, मैं नहीं करता था कर। तो ये कुछ वैसा ही है ये। बटर का फनी फनी तरीका, बिल्कुल वैसे। चलिए ओके, हाउडी, हाउडी मींस हाउ डू यू डू का शॉर्ट में है हाउडी, एक प्रोग्राम हुआ था हाउडी मोदी। ओके सो हाउडी इज व्हाट, हाउ डू यू डू इन शॉर्ट, तो जनरली फॉर्मल तरीका से बोलना है तो हाउ डू यू ही बोलें। और आपको लग रहा है कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड के फ्रेंड से मिल रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्मल तरीका यूज करना है, और इनफॉर्मल भी चल सकता है, तो हाउडी बोलते हैं, हाउडी, दैट मींस हाउ डिड यू। ओके चलिए नेक्स्ट, कॉमन ब्रिटिश स्लैंग्स। ओके
तो यहाँ पे देखते हैं फटाफट क्या क्या है. बॉस मेट एंड लैड मीन्स व्हाट फ्रेंड है ना. चाहे मेट बोले चाहे लैड बोले इसका मतलब फ्रेंड होता है. और कई लोग ड्यूड पाल बारी हाय बारी ओके हाय ड्यूड हाय पाल लैड हाय मेट ओके. तो ये हम कर चुके हैं, हमने किया था गिरे मेट. एस का मतलब क्या होता है, कोई समथिंग ब्रिलियंट या मोर वाइड स्प्रेड ओके. जैसे कि हम बोले कि कोई आदमी क्या है, ही इज एस एट राइटिंग पोस्ट यानी कि वो उसमें एक्सपर्ट. ही इज एस्ड डांसिंग चाचा चाचा. व्हाट इज चाचा, ज्योति मैम को पता होगा. हेलो यस सर. हाँ मैम बताइए चाचा क्या होता है. चाचा चाचा नहीं पता सर. अच्छा चाचा नहीं पता आपको, किसको पता है चाचा क्या होता है. ये देखिए चाचा दिखा आपको. ठीक तो ये होता है चाचा डांस. चलिए हमारे इंडिया में चाचा का कुछ और ही मतलब होता है. जी सर. अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डांसिंग से रिलेटेड होगा बट इज एग्जैक्टली नहीं पता था राइट. वो सॉन्ग भी तो चाचा से. चलिए ओके नेक्स्ट वन इज ब्लोक. ब्लोक मीन्स वही जैसे आप ड्यू बोलते हैं ना गाय बोलते हैं ऐसे मेल ब्लोक. ये थोड़ा किस तरह का होता है, हु गोज टू पब्स एंड इज क्वाइट ऑर्डिनरी इन हिज हैबिट्स. सो ब्लोक या फिर गाय ड्यूड कुछ भी बोल सकते हैं. ग्रेट्स. नेक्स्ट वन इज ट्रैंग. नेक्स्ट आपका ट्रैंग. ट्रैंग का मतलब क्या होता है, ये ट्रैंग शब्द जो है एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं आप ट्रैंग. ओके जैसे आप वॉटर, आई वॉटर द प्लांट वर्ब बन गया. आई वांट हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर, वहां पे क्या हो गया, अ ग्लास ऑफ वॉटर इज वॉट नाउन है ना. तो ट्रैंग 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 मीन्स वॉट चैट. तो पहले क्या होता था, पब में जब जाते थे लोग है ना, तो जो पब ओनर होता था वो क्या करता था, जैसे ग्लास खाली होने वाला है तो उसमें और भर देता था वो और बोलता था ट्रैंग चैक बातें करो ट्रैंग है ना. तो ट्रैंग का मतलब होता है चैक बातें करना चैटिंग. गटेड. गटेड का मतलब क्या होता है, गटेड का मतलब डिसअपॉइंटेड है ना, डिसअपॉइंटेड. ठीक सो आई एम फीलिंग गटेड है ना, मैं डिसअपॉइंटेड. व्हाई, इंडिया लूज द मैच, इंडिया लॉस्ट द मैच. नेक्स्ट है डिशी. डिशी का मतलब अट्रैक्टिव हॉट. समवन इज वेरी अट्रैक्टिव सो आप बोल सकते हैं ही और शी इज वेरी डिशी. नेक्स्ट है चफ्ट. चफ्ट इज वॉट, चफ्ट का मतलब जब आपने कोई काम किया और आपको फील होता है गर्व, गर्व महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं चफ्ट. गॉबस्मैक्ड. गॉबस्मैक्ड का मतलब क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं है ना, गॉबस्मैक्ड. ठीक दैट इज कि आप क्या हो गए, जैसे आपने रंगे हाथों पकड़े गए, गॉबस्मैक्ड है ना, शॉक्ड. जैमी. जैमी इज व्हाट, सेड अबाउट अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली लकी. मतलब कभी होता है ना, अरे उसने तो फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक कर लिया बहुत ही आसानी से, या फर्स्ट टाइम में उसको कुछ ऐसा हो गया जो उसने बहुत आसानी से कर लिया, तो ऐसे लोगों को हम जैमी बोलते हैं. और जिम जैम्स पजामास को बोलते हैं जिम जैम्स. ओके जिम जैम्स. चलिए यहां तक समझ में आया सभी को.
यदि कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ लें। बताइए किसको डाउट है?